थैंक यू। आज पहली बार तक बहुत इमोशनल हो गया आप सबसे। कमा रही है जल्द मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं ऐसे कैसे बात करूंगा शुरू करें, लेकिन अभी इस जर्नी के बारे में आपसे जरूर शेयर करूंगा। 98 जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाया गया था उस समय मैं इसे ढूंढ रहा था। काफी लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी होगी तो मैं आज वो स्टोरी नहीं रखूंगा आपके सामने, कुछ अलग बात करूंगा। बाधाएं तो आती रहती है, आपको मालूम ही है बाधाएं आती रहेंगी। और 98 में जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उस समय मैं कुछ ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए, और खास करके एक लाइफ में सिक्योरिटी पाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे एक हादसे ने मुझे ये जता दिया था कि जिंदगी में कोई भी इंसान अगर वो सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्ट से पैसा कमा रहा तो वो सिक्योर नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी राइट से किसी भी बिजनेस से कहीं पर भी हो। तो ये मुझे बहुत परेशान करता था, मैंने लगता था कुछ होगा। उसी समय मुझे कहते ना इट्स गॉड्स प्लान, अगर आपके दिल में कोई चीज बार बार आता है इस चीज को पाने के लिए तो ऊपर वाला वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने पर जरूर भेजेगा, बाकी उसे आप पहचान पाते हैं नहीं पाते हैं आपके ऊपर। तो थैंक्स टू माई ब्रेन कि जिस दिन मुझे ये बात दिखाया गया था कोई खुरबे की ब्रेन नहीं था मेरा, मैंने एक ही बात ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस एग्जैक्टली जिस इंसान ने मुझे ये बात दिखाया था, क्योंकि ये प्लान उसने इंग्लिश में आया था इंग्लिश में होता था, देखते जो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे मिस्टर गुप्ता, आज उसके बाद मैं कभी उनसे मिला नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या थे कौन थे। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मिस्टर गुप्ता मुझे याद करने के लिए शायद वो भगवान के रूप थे जो मुझे ये बिजनेस प्लान दिखा देगा। एनीवे मैं तो इस बिजनेस में आ गया और आने के बाद करना क्या था, कोई टूल थे नहीं, एक कागज में मुझे बात दिखाया गया था वही मेरा टूल था, कुछ भी नहीं था, और उसी को मैंने अच्छी तरीके से टाइप करके अपना एक टूल बना लिया था जो मैं लोगों को काम दिखाने के बाद देता था। मैं पंजाब नेशनल बैंक में वर्क कर रहा था उस समय हलवा के ब्रांच जहां में 120 लोगों की स्टाफ थी। अगर आप इस बिजनेस में या किसी भी काम में आएंगे तो सबसे पहले इंसान किसके पास जाता है जो उसके सबसे करीब हो। मैं भी उन्हीं के पास गया, मैंने अपनी सारी जिंदगी के बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी किया था तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे, लेकिन होता क्या है कुछ उल्टा हो जो सभी के साथ होते हैं आपके साथ भी होगा, अगर उल्टा नहीं हुआ तो आप कामयाब होंगे भी। हुआ ये कि 119 लोग नेगेटिव हो गए, 120 में 119 लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, केवल एक ही आदमी पॉजिटिव था पंजाब नेशनल बैंक हजरतगंज ब्रांच में, वो मैं था, सारे लोग अगेंस्ट हो गए। मैं स्पोर्ट्स में था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मैंने नेशनल ओवर रिप्रेजेंट किया था 99 से, तो एक दूसरा थी नहीं तो लोगों को एकदम तरह भी दोस्त क्या हो गया ये तो पागल हो गया, और लोग टॉन्ट करने लगे। मैं जब ब्रांच में घुसता था तो लोग कहते थे कि अगर दो दिन में छुट्टी लेता था तो लोग कहते थे कि वो कहाँ गए थे, सुना यूरोप से आ गए अमेरिका से, मैं कहता था ना कि बिजनेस में शिफ्ट है, तो लोग मुझे टॉन्ट करने लगे क्या दूसरे का पॉलिसी है क्या उसका डेमोक्रेसी दिखाओगे, बड़ी अजीब अजीब जो हर्ट करने वाली बातें वो सारी बातें वहां से होने लगी, और अल्टीमेटली एक मोहर लगा दिया मेरे सर ने कि वो पागल हो गया और फिर कैशुअलिटी की बात करता है। अब आप ही बताइए जिंदगी में कामयाब होना अगर पागलपन है तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? अगर महीने में लाखों रुपए कमाना पागलपन है तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? हर साल लाखों विदेश यात्रा मिले स्पोर्टली स्पॉन्सर्ड हो कोई आपको पैसा ना लगे तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? मैंने भी यही किया, मैंने पागल बन गया, मैंने कोई गलत किया क्या? मैं ऐसा दिखता हूं मैं पागल नहीं हूं, लेकिन जिंदगी में आप देखेंगे जब भी आप बातों से हट के कोई बातें करेंगे आप लोग पागल कहेंगे। बहुत सारी चीजें दुनिया में हम लोग ने देखा नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोग ने सुना नहीं, तो हम लोग उसको पाने की कोशिश नहीं करते, और जब भी आप इन बातों को लोगों के सामने रखेंगे लोग आपको पागल जरूर कहेंगे। अगर ऐसा नहीं करें तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी जिंदगी में अगर आपको वो चीज पढ़ना है जो आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया। अभी मेरे साथ इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे एक छोटा सा एग्जाम थे जो आपको कुछ एग्जाम तो आपको ये बिजनेस और अच्छी तरह समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से हफ्ते भर पहले की,
ये नदी की जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है बैंक में गए थे फोटोग्राफी कुछ फोटोज वगैरह खींचने थे, तो वहाँ पर चर्चा हुई होगी इनके साथ एनजीओ के बारे में। तो पोता जी जो कि हमारे साथ जनसंपर्क काउंटर प्लेटफॉर्म में अभी मीटिंग हुई, तो इनके पास कॉडा है, तो एक मैनेजर ने कहा कि क्या मिस्टर पोता जब महाराज और कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉडा ले जाते हैं, एक ने इस तरीके से बात की। तो वो दूसरे कह रहे नहीं महाराजा फैमिली से नहीं, वो किसी से मांग के ले आते। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यार हर दिन से रोज मांग के ले आते, एक दो दिन से समझ नहीं आता रोज कहां से मांग के ले आए। कह रहे नहीं वो एक है हमारे बैग में थे कि एक दो जो छोड़ दिया वो ऐसे से भी कुछ करते हैं उन्हीं के पास ये भी लगे हैं उसी में लाते हैं, वो बहुत दिन नहीं लाते। कुछ ऐसी बातों में प्रदीप जी ने मुझे फोन किया, मैंने तुरंत पोता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन किया, मैंने पोता जी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, हमने कहा कि आपके नाम से कमेंट जो है आप कामयाब हो सकते बिगाड़ी नहीं होती है, क्या आप कुछ बिगाड़ी के कमेंट करते हैं, वो ले लोग कह रहा है ये है वो ऐसा नहीं, कमेंट हमें तो सक्सेसफुल इंसान के होते हैं। अगर लोग आपके कमेंट कर रहे हैं आपके काम जीतते हैं तो मनी में मुस्कुराइए कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्यों रखना है अपने।